नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अत्रमुनि। जैसा कि मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो मंगली योग को दर्शाता है, कैसे ये बनता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, मैंने इसको भी दिखाया है इसको यहाँ पे, तो समझते हैं इसको। मंगल इस भाव में, मतलब बारहवां घर में बैठा हो, पहला में हो, चौथा में हो, सातवें भाव में हो या आठवें भाव में हो, राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, उससे नहीं मतलब होता है। सिर्फ इस भाव में अगर वो बैठा हुआ है, जैसे मंगल यहाँ बारहवें भाव बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो ये मंगली, मतलब लड़का मंगली है या लड़की मंगली है, किसी को भी देखा जा सकता है इससे। तो लाइफ पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा कुछ भाव ऐसे होते हैं जो खराब कहे जाते हैं, उसमें देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो लक्षण जो पाए जाते हैं वो जल्दीबाजी, कोई भी काम को जल्दी करना, फटाफट, सबसे जल्दी, ठीक है। और इस जल्दीबाजी के चक्कर में वो अपना काम को बिगाड़ देते हैं। काम करते तो बहुत तेजी से है, लेकिन वो काम जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाता है। ये मंगल के जो खराब मंगल होते हैं उसके लक्षण होते हैं। और गुस्सा, चिड़चिड़ापन सबसे ज्यादा इनको होता है। अगर इसको कम किया जाए, अगर इसको थोड़ा सा, अगर जैसे मंगल खराब है, अगर इस चीज में अगर काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा फल देगा मंगल, तो इसके बारे में बताऊंगा आगे। फिलहाल आप ये जो मैंने बनाया है मंगली योग के बारे में, तो इस भाव में अगर वो बैठे हुए हैं तो ये बहुत आसानी से आप जान सकते हो कि ये मंगली है कि नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, आप भी करिए, आपके दोस्तों को भी कहिए, जिससे कि मेरा ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे। मैं हर प्रकार से कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो जय गणेश, राम राम, जय माता दी।